यशोधरा पोलिसांना गांजा तस्कराविरोधात मोठी कारवाई करण्यात यश आलं आहे, ज्यात पोलिसांनी 9 किलो 800 ग्रॅम गांजा जप्त केला असून परप्रांतीय आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांनी या कारवाईत एकूण गाडी, गांजा व मोबाईल असा 7,15,000 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगित केला आहे. नागपुरात गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासन शर्थीचे प्रयत्न करीत असताना गुन्हेगार हे सक्रिय असल्याचं निष्पन्न होत आहे. याच दरम्यान यशोधरा पोलिसांनी पेट्रोलिंग दरम्यान गुप्त माहितीच्या आधारे सापळा रचून एका संशयित वाहनावर कारवाई करत यजबीनगर परिसरात एका वाहनाची झडती घेऊन 9 किलो 800 ग्रॅम गांजा जप्त केला आहे. आरोपी सय्यद अमीन उल्ला मतीन उल्ला हा परप्रांतीय असून 2 महिन्यापासून नागपुरात वास्तव्यात आहे. हा गांजा कुठून आणला, कुणाला देणार असा सर्व तपास पोलीस करीत आहे. या घटनेत गांजा तस्कर टोळीचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यात पोलिसांनी गांजा, गाडी, मोबाईल असा 7,15,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. रात को हमारे डीपी पथक जो यशोधरा नगर के उनके पेट्रोलिंग कर रहे थे, एक जानकारी मिली थी कि एक सन्नी निशान गाड़ी में गांजा आया है और वो एचबी नगर में गाड़ी रुकी है. इस आधार पर हमारे डीपी पथक के PSI राठौड़ साहब और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने फील्डिंग लगाई थी और फील्डिंग लगाते हुए उन्होंने वो गाड़ी को पकड़ लिया गया. बाद में हमको बुलाया गया, हमने वो दो पंच के सामने उसकी गाड़ी की झड़ती ले लिया. उसमें करीबन 9 kg और 800 ग्राम इतना गांजा मिला है और 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले और गाड़ी, ऐसे कुल मिलाकर 7,12,000 रुपये का मुद्दे में हस्तखत किया गया है. जो इसमें का आरोपी है सैयद अमीनुल्ला मतीनुल्ला करके है. ये उम्र 35 साल है, रहने वाला प्रॉपर आदिलाबाद तेलंगाना का है. यहाँ पर पिछले 2 महीने से किराए से रेंट से रहता है. अभी जो उसको जो माल दिया है उसका नाम एक इरफान नाम का सामने आ रहा है. अभी वो इरफान कौन है, कहाँ का है, उसके बारे में और कहाँ से गांजा लाए इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके पास से पुलिस कोटेड रिमांड लेके आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे.